सो फ्रेंड, आज का वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना मेरे फ्रेंड, बहुत ही मजा आने वाला है। आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन का आठवां अजूबा 8 स्टैंडर्ड ऑफ द वर्ल्ड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में तो सुना ही होगा कि कंपाउंडिंग इफेक्ट कैसे काम करता है। अगर आपको मालूम भी है तो थोड़ा बहुत, मतलब ऊपर ऊपर का लेवल पे मालूम है, आप डेप पे नहीं गए। अगर आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का डेप में चले गए होते तो इस वीडियो में नहीं आते थे आप अलग ही लेवल पे चले जाते थे। क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट ऐसे काम करता है ना, आपका एक रुपया अगर हर दिन डबल होते जाए ना, तो 30 दिन में आपका पास इतना पैसा आ जाएगा कि कैलकुलेटर में भी नहीं बैठेगा, इतना अमाउंट हो जाएगा। तो फ्रेंड, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को समझो, कंपाउंडिंग इफेक्ट को काम पे लगाओ, कंपाउंडिंग इफेक्ट को यूज करो, यूज करके लॉन्ग टर्म में मोटा पैसा अर्न करो। स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ कि कैसे करोगे आप ये सब। बट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का अगर आप डेप्थ में जाना चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे बना दूंगा। तो ये टॉपिक जो होने वाला है वो हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, इस टॉपिक में होने वाला है कि हम लोग इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट करें, इन्वेस्टिंग क्यों करना चाहिए, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। क्योंकि अपना पैसे को मल्टीप्लाई करते हुए 10 गुना 20 गुना 50 गुना 100 गुना अगर आपको करना है तो इन्वेस्टिंग करना पड़ेगा मेरा फ्रेंड। अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, हालांकि आपके पास पैसा नहीं है, छोटा मोटा स्टॉक्स पिक करके, छोटा मोटा अमाउंट से स्टार्ट करके, SIP के थ्रू, मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट ऑफ प्लान के थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मेरा फ्रेंड ये वीडियो जरूर आपके लिए है। क्योंकि फ्रेंड, इस वीडियो में ऐसा ही धमाका होने वाला है, आप छोटा छोटा अमाउंट ऐड करते हुए लॉन्ग टर्म में, हालांकि आप महीने का 10,000 रुपया कमाते हो, बट लॉन्ग टर्म में मेरा फ्रेंड आप करोड़ों में खेलोगे। आज से 10 साल बाद आप अपने आप को किस पोजीशन में आकते हो, उस पोजीशन में अगर आप अपने आपको देखना चाहते हो करोड़पति, 10,000 रुपया पर मंथ आप इन्वेस्ट करके, तो फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए है मेरा दोस्त। इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि शेयर मार्केट है क्या। शेयर मार्केट मतलब दूसरे का कंपनी में आप कुछ पैसा लगा के उस कंपनी का शेयर खरीद लेते हो, यानी कि आप उस कंपनी का पार्टनर बन जाते हो। कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब आपका प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी का लॉस हो रहा है इसका मतलब आपका लॉस नहीं हो रहा है। शेयर प्राइस थोड़ा बहुत गिरता है ना, तो आप उस कंपनी को बेच दो, मतलब उस कंपनी का शेयर बेच के आप बाहर निकल जाओ और दूसरा कंपनी में इन्वेस्ट करो। तो ऐसे ही चलता है शेयर मार्केट। तो फ्रेंड आपको करना क्या है, चुटकियों में आपको कुछ प्रोफेशनल, जो सब चीज़ आप रेगुलर यूज़ करते हो, जैसे कि जिस कंपनी का सोप आप यूज़ करते हो, जिस कंपनी का पेट्रोल या फिर ऑयल आप अपना 2-व्हीलर में 4-व्हीलर में डलवाते हो, इंडियन ऑयल का हो सकता है, रिलायंस का हो सकता है, भारत पेट्रोलियम का हो सकता है कुछ भी, LPG का हो सकता है, तो उस कंपनी का शेयर ले लो। जिस कंपनी का गाड़ी आप चला रहे हो, महिंद्रा हो सकता है, टाटा हो सकता है, हीरो मोटर्स हो सकता है, होंडा हो सकता है, TVS मोटर कंपनी हो सकता है, तो इन सब चीज़ों का आप शेयर खरीद सकते हो। जो जो चीज़ आप रेगुलर बेसिस पे करते हो, आप कोलगेट खरीदते हो तो गोदरेज कंपनी में यूज़ कर सकते हो। क्या आप करते हो, आपका जो इतना कैपिटल है उस कैपिटल के बेस पे आप स्टॉक उठाओ, स्टॉक का प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, आप 5-10 हज़ार से भी स्टार्ट कर सकते हो मेरा फ्रेंड। तो ऐसे स्टार्ट करो और उस कंपनी को धीरे धीरे आगे बढ़ते देखो, अपना पैसे को मल्टीप्लाई करते हुए 10 गुना 20 गुना 40 गुना भी आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म में। आपका विजन ये इतना दूर का नहीं, इतना दूर का होना चाहिए, तब आपको जाके लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा देखने को मिलेगा। तो सिंपलिसिटी के साथ आपका, आपको डरना नहीं है, मार्केट में आपको पी रेशियो देखना है, पी रेशियो कितना है, उस कंपनी के ऊपर कर्जा तो नहीं है, इन सब थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालिसिस तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस मालूम नहीं है तो मुझे कमेंट कर देना, या फिर मेरा चैनल पे पहले से ही वीडियो पड़ा हुआ है फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं प्रोफेशनल एडवांस लेवल पे फंडामेंटल के ऊपर वीडियो बना दूंगा मेरा फ्रेंड। तो फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा बहुत आपको करना है, चार्ट रीड करोगे तो भी हो जाएगा, टेक्निकल एनालिसिस भी सीखना चाहते हो कमेंट तो कर ही सकते हो आप। तो ये सब थोड़ा बहुत करके आप शेयर बाय कर लो। रेगुलर टाटा मोटर्स देखो, टाटा मोटर्स, रतन टाटा को कौन नहीं विश्वास करता, टाटा IPL लॉन्च कर रहा है, टाटा मोटर्स का गाड़ियाँ किसको पसंद नहीं है, बेल्ट क्वालिटी के लिए फेमस है पूरा, तो आप टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। टाटा मोटर्स का अगर आप ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट देखोगे या फिर रेट ऑफ इक्विटी देखोगे तो वो अप्रॉक्स 40-50% के अंदर है, मतलब 2 साल में आपका पैसा डबल करके दे रहा है टाटा मोटर्स। रिलायंस में आप खरीद सकते हो, SBI बैंक में खरीद सकते हो, ICICI बैंक में खरीद सकते हो, HDFC हालांकि थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है तो HDFC में मत जाओ, मैं प्रेफर नहीं करूंगा। ऐसा कुछ चीज़ें देख के आप इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म में अपना पैसे को मल्टीप्लाई करते हुए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट जब आपका पैसे पे पड़ेगा तब आपका पैसा बुलंदियों पे राज करेगा, तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही था बस, और क्या, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते, कर दो ये सब मेरा दोस्त। ये जो एंड स्क्रीन में वीडियो शो हो रहा है इसमें प्रेस करो, आपको नॉलेज मिलेगा।